हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको किस बात का डर? कौन है वो? क्या कैप्टन मिलर का मोटिवेशन आया था फैमिली मैन से? क्या पिक्चर के साथ साथ बुक भी लिखेंगे धनुष? कौन है धनुष के स्टंट मास्टर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कौन सा शो देख रहे हैं धनुष? किसके कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली है धनुष ने? और क्या कैप्टन मिलर का भूत धनुष के दिमाग में किसी और ने डाला है? आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में धनुष ने कन्फेस किया है कि वो द फैमिली मैन शो को बहुत पसंद करते हैं। मनोज बाजपेयी का ये शो अमेजोन प्राइम की द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज में से एक है। बस इसे ही वॉच कर धनुष ने ली है अपनी अगली मूवी की इंस्पिरेशन। हम आपको बता दें कि 2021 में रिलीज हुआ द फैमिली मैन 2 प्राइम का द मोस्ट व्यूड हिंदी ड्रामा बन गया 8.7 रेटिंग के साथ और लगभग 84,000 वॉट्स के साथ मिर्जापुर को भी पीछे छोड़ दिया गया। और धनुष भी इसी शो में अपनी कैप्टन मिलर की कहानी ढूंढने में कामयाब रहे। शो में मेन विलन थी राजी, जिसका रोल मशहूर एक्ट्रेस समंथा रूथ प्रभु ने निभाया था। वो शो में निडर श्रीलंका तमिल लाइब्रेशन फाइटर ही बनी थी, जो एक सुसाइड मिशन पर थी। उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करियर की शुरुआत इसी से की, जिसके बाद से उन्हें पैन इंडिया हर कोई जानने लगा। धनुष को ये प्लॉट एक श्रीलंकन तमिल लाइब्रेशन फाइटर का जज्बा बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी, जिसके बाद अब वो तैयार हैं फेमस ब्लैक टाइगर यानी कि फर्स्ट शेड्यूल बॉम्बर फ्रॉम लेटे कैप्टन मिलर की लाइफ पर स्टोरी बनाने के लिए। उन्होंने इनके सारे ऑपरेशंस कहां से होते हैं, कहां पर इन्हें अटैक करना होता है, किस किस हथियारों से ये अटैक करना पसंद करते हैं, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड और क्यों ये लोग सुसाइड करने के लिए तैयार होते हैं, सब पता चल चुका है। बस इसीलिए जल्द बड़े पर्दे पर धनुष लेकर आएंगे ये ड्रामा मूवी, जिसमें वो लीड में है। उन्हें राजी पर पूरा भरोसा था, जबकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। तो ये तो किसी की कहानी है सच में, तो बस धनुष पूरे जोश से इस किरदार को दर्शकों के सामने रखने के लिए फुल रेडी है। हम आपको बता दें कि धनुष एक्टर फिल्म मेकर सिंगर होने के अलावा भी बहुत टैलेंटेड है। वाई दिस कोलावेरिटी भी खुद धनुष ने लिखा था। इसके साथ साथ उन्होंने स्नूकर खेलना बहुत पसंद है, टेबल टेनिस खेलने में धनुष माहिर हैं और रीडिंग और राइटिंग का भी शौक रखते हैं हमारे विशु। द फाल्कन ऑफ स्पार्टा, द गेस्ट लिस्ट, पारवा कुछ उन्हीं के रिकमेंडेशंस हैं। इनफैक्ट धनुष की एक्स वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत ने धनुष के बड़े से बुक सेल्फ और उस पर बड़ी कई किताबों की स्टोरी भी डाली थी। बस इसी से ये साबित होता है कि धनुष यूं ही नहीं ज्ञानी है। इसीलिए कैप्टन मिलर पर मूवी बनाने से पहले उन्होंने बहुत रिसर्च की है और बहुत से आर्टिकल भी पढ़े, और बस उन्हें तभी ये आइडिया आया कि क्यों ना इस पर भी एक बुक लिखी जाए। धनुष के दिमाग में फितूर उठ चुका है, कैप्टन मिलर पर आर्टिकल आपको शायद मिल जाए, लेकिन उनके नजरिए से कोई भी अच्छी किताब नहीं मिलेगी। बस इसीलिए कैप्टन मिलर पर तमिल में बुक लिखने की इच्छा लगा चुके हैं धनुष। ये उनकी सबसे पहली लिखी हुई किताब होगी, इसका ड्राफ्ट वो बना रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये किताब पब्लिश होता है। धनुष मूवी में कई खतरनाक और जानलेवा स्टंट्स करते हुए दिखेंगे। ये स्टंट्स बाइक पर होंगे, फाइटिंग सीन्स में होंगे, बिल्डिंग से लेकर पानी तक में स्टंट करते दिखेंगे धनुष। इनके लिए स्पेशली मशहूर स्टंटमैन यैनिक बैन को हायर किया गया है। यैनिक बैन ने ही समंथा को भी एक स्टंट कोरियोग्राफर किया था। इसके अलावा इन्होंने ही शाहरुख खान की जवान के स्टंट भी हाल ही में शूट करवाए हैं। बस अब इन्हें इनका अगला क्लाइंट कैप्टन मिलर मिल गया है, जिसके साथ ये जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सारे के सारे सीन्स एक्सपर्ट सुपरविजन में ही किए जाएंगे। धनुष काफी एक्साइटेड हैं और सारे सीन्स बिना बॉडी डबल के करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। अब आपको कैप्टन मिलर का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।